दोस्तों, एम जी मोटर्स ने इंडिया में अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जनवरी 2020 में लॉन्च किया होता है। लगभग 3.5 साल हो गए इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट में सेल होते हुए। तो इसी के एक प्राउड ओनर से आज चलिए बात कर लेते हैं। स्वागत दोस्तों आपको हमारे चैनल पर। और आज मेरे साथ हैं विभव जी, और ईवी चलाते उनको काफ़ी टाइम हो गया है और बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। और चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने ना टाइम लाइन्स डाल दी हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्किप करना चाहते हैं तो वहाँ से क्लिक करके भी स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर मेरे को आप ये बताइए कि ईवी को, मतलब ईवी को कह लीजिए या ZS ईवी को क्यों चूज किया आपने, मतलब क्या रीज़न थे इस पर्टिकुलर गाड़ी को लेने के? तो मैं लास्ट ईयर अपनी गाड़ी बदलने की सोच रहा था, तो मैंने एक मिड सेगमेंट एंड लास्ट सेगमेंट की सारी SUVs ट्राई कर ली। मैंने लगभग 18 से 19 गाड़ियों टेस्ट ड्राइव किया, तो हर तरह की SUV छोटी से लेके बड़ी मैंने ट्राई करी। उस समय क्लियर नहीं था क्या लेना है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां लगभग चार से पांच साल पहले जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हुई थी महिंद्रा E2O से, तो मैं सबसे पहले इनिशियल लोगों में था उसे टेस्ट ड्राइव करने का, बिकॉज मुझे बहुत क्यूरियस था इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके। और इलेक्ट्रिक गाड़ी चला के उस समय उसकी पावर और उसका कंफर्ट बहुत पसंद आया था जी। लेकिन उस समय थोड़ा गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं थी, E2O प्रैक्टिकल नहीं थी। उसके बाद नेक्सॉन आई, कोविड के टाइम पे नेक्सॉन आई थी, तो मैंने टेस्ट ड्राइव की थी नेक्सॉन भी। फिर जब मेरे एक्चुअल टाइम आया गाड़ी परचेज करने का, जब मैंने इतनी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव कर ली, तो पहले तो पेट्रोल की गाड़ी मैंने क्यों नहीं ली ये बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि जो भी गाड़ी मुझे पसंद आ रही थी वो फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक गाड़ी मुझे चाहिए थी, तो अराउंड 18 से 20 लाख की रेंज में थी। और फिर मेरी कैलकुलेशन ये बताती है कि अगर आप 18-20 लाख की गाड़ी लेते हैं तो 10 साल उसे अगर 50 किलोमीटर पर डे भी चलाते हैं तो आप लगभग 15 लाख रुपए का फ्यूल उसके अंदर खर्च करेंगे, तो वो गाड़ी 10 साल में आपको 20 लाख की गाड़ी 35 लाख की पड़ेगी। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई, नेक्सॉन मैंने चलाई, नेक्सॉन में चलाना चाह रहा, मतलब मुझे काफी पसंद थी, हम नेक्सॉन को काफी चला रहे थे, तो उस कैलकुलेशन में ये वो गाड़ी 7 लाख शायद महंगी होगी, 7 से 8 लाख, लेकिन वो आपको 10 साल में 3 से 4 लाख रनिंग कॉस्ट पे ही आएगी। तो वो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको 4 से 5 लाख पेट्रोल गाड़ी से सस्ती पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। इसके अंदर मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, लोन का इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी एक प्रैक्टिकल गाड़ी हो गई इस तरीके से। उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा था लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट था। ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी में दूसरा फायदा ये था कि उसका पावर अच्छा है, उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, और कंफर्ट है, बिकॉज उसमें आपके पास गियर नहीं है, क्लच नहीं है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, राइट। तो आई थिंक मेरे को भी काफी कंफर्ट लग रहा है, मतलब जानकारी के लिए बता भी दूं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, मतलब नॉर्मल फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और इससे पहले हमने इको स्पोर्ट में करा, तो मतलब अब AC भी चल रहा है, बड़े कंफर्ट से बैठे भी हुए हैं इतनी गर्मी के बीच में, लेकिन बिल्कुल भी शायद नॉइस आपको आ भी नहीं रहा होगा। हाँ। तो काफी कंफर्ट लग रहा है मेरे को भी। तो अब नेक्सॉन हम बिल्कुल ऑलमोस्ट खरीदने वाले थे, नेक्सॉन बुक कराने जा रहे थे, बट नेक्सॉन में एक चैलेंज ये आ गया, जब अभी तक हमने फ्रंट सीट बैठ के नेक्सॉन को चलाया था जी, लेकिन जब उसको रियर सीट पे बैठे तो उसमें स्पेस क्रंच फील हुआ, जो मेरी फैमिली को पसंद नहीं आया, एंड अल्टीमेटली वो स्पेस क्रंच एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया नेक्सॉन नहीं लेने का। तो हमने नेक्सॉन छोड़ के, जब हम ये गाड़ी ले रहे थे तो इसके अंदर हम एस्टर हमें बहुत पसंद आ रही थी, जो इसका पेट्रोल वर्जन है, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक चलाई और उसके अंदर, जबकि एस्टर के अंदर 20 लाख रुपए के अंदर आपको ADAS के साथ गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो पेट्रोल है, अगेन वो 20 लाख की गाड़ी आपको 35 की पड़ेगी, और ये 27 लाख की गाड़ी आपको 10 साल के अंदर शायद 30 या 32 की पड़ेगी, मतलब एस्टर से जो है 5 लाख सस्ती पड़ेगी, मतलब 10 ईयर की जब कॉस्टिंग देखते हैं, 10 ईयर की कॉस्टिंग देखते हैं, वो भी मैं रनिंग ले रहा हूँ 50 किलोमीटर पर डे की। अगर आप इसे डबल कर दें तो आपकी कॉस्ट वो 15 से बढ़ जाएगी, 25 हो जाएगी रनिंग कॉस्ट, और यहाँ पे ये 4 से 8 हो जाएगी, तो वो जो बीच का जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। तो ये रीजन था इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का। और ये गाड़ी चला के मतलब इस गाड़ी को मैंने चलाया लगभग 100, 120, 130 तक की स्पीड पे, और इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बावजूद
ये इतना स्टेबल चल इसकी ड्राइव है, इतनी कंफर्टेबल ड्राइव है, तो अल्टीमेटली ये रीजन बन गया कि हमने इलेक्ट्रिक ली और वो भी MG की ZS EV गाड़ी ली। अब गाड़ी ये वेरिएंट कौन सा है? ये टॉप वेरिएंट है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, तीन आते हैं? इसमें दो वेरिएंट आते हैं। जब मैंने ली थी तो जो लोअर वेरिएंट था उसमें सनरूफ नहीं थी जी। और इसमें ADAS नहीं था, पर क्रूज कंट्रोल था, जो ये वाली मैंने गाड़ी ली थी टॉप वेरिएंट। और अब जो गाड़ी आ रही है उसमें नेक्स्ट सेकंड वेरिएंट में भी सनरूफ आ रही है जी। और टॉप वेरिएंट के अंदर ADAS आ गया, ADAS आ गया जो अभी रिसेंट आई थी। तो वो गाड़ी अराउंड 1 से 1.5 लाख महंगी भी होगी, महंगी भी होगी। तो जब खरीदने गए थे तब के बाद का जो डीलरशिप एक्सपीरियंस था आपका, वो कैसा रहा? तो देखिए, डीलर एक ही है यहाँ पे नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो है क्रिस्टल ऑटो, राइट? वही मेजर एक डीलर है, और कोई डीलर नहीं है। तो देखिए, उनका जो कस्टमर को अटेंड करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है, और काफी वेल मेंटेन्ड शोरूम वगैरह है, काफी अच्छे से वो लोग कस्टमर को रीच भी करते हैं। पर तो चैलेंज वहां ये आ जाता है, जब आप उनसे नेगोशिएट करते हैं तो गाड़ी, इस गाड़ी के ऊपर वो 0 डिस्काउंट देते हैं विद 0 के कहते हैं एक्सेसरीज। इवन ये नहीं, मतलब एक और भी देखा था मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो मतलब डिस्काउंट के नाम पे तो वो बिल्कुल जीरो है, जीरो है। अब आ जाते हैं सर्विस कस्टमर। सो इनके सर्विस का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा अभी तक। दो सर्विस मैंने कराई है इनसे, क्रिस्टल ऑटो से, दोनों सर्विस का एक्सपीरियंस एवरेज था। और मेरा ये मानना है कि सर्विस का एक्सपीरियंस विद द टाइम इम्प्रूव होता है जब डीलरशिप आपको समझता है एज अ कस्टमर। पर वो थोड़ा कस्टमर को मेहनत करनी पड़ती है, वो होना नहीं चाहिए, राइट? मेरा प्रीवियस गाड़ी थी उसमें, फोर्ड की गाड़ी थी, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस इम्प्रूव होते हुए 2-3 सर्विस 4 सर्विस हो गई, जहां पर मुझे मेहनत करनी पड़ी उनको समझाने में और उनको इनपुट्स देने में, फीडबैक देने में। यहाँ पे भी मैंने इनपुट्स फीडबैक दिए हैं, आई होप नेक्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहे। पर MG एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन डीलरशिप इंडियन है, तो एक्सपीरियंस वही इंडियन वाला ही आएगा, इंडियनाइज्ड ही है। उस एक्सपीरियंस में कुछ वाओ फैक्टर नहीं है, सर्विस में वाओ फैक्टर नहीं है। मे बी जैसे कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मे बी सर्विसेज इंप्रूव अभी की जा सकती है। जरूरी है इंप्रूव करना, एंड प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सर्विस उनका थोड़ा अभी एवरेज है। चलिए जी, अब एक बात बता दी, जब गाड़ी आप ओन कर चुके हैं, लगभग 13,000 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चल चुकी है, तो मतलब जो माइलेज वाली बात करते हैं, इलेक्ट्रिक में भी अगर फुल चार्ज में क्या माइलेज देती है गाड़ी? देखिए, इलेक्ट्रिक के अंदर माइलेज वेरी करती है कि आप कैसे चला रहे हैं जी और किन कंडीशंस में चला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर अगर आप एवरेज 60-70 की स्पीड में चला रहे हैं, इसमें एक फंक्शन होता है रिटर्न का, जिसके 3 वर्जन लेवल्स होते हैं, 1, 2, 3, लेवल 3 हाईएस्ट होता है जी। तो अगर आप लेवल 3 रिचार्ज के ऊपर, जहां पे सबसे ज्यादा बैटरी रिचार्ज होती है, अगर आप सिटी में चला रहे हैं 60-70 की स्पीड में, तो ये गाड़ी आपको विदाउट, अगर आप एसी चला रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको 370 तक की एवरेज दे देगी एक चार्ज में। और इनिशियली कंपनी क्या क्लेम करती है? जब कंपनी क्लेम करती है 465 किलोमीटर की रेंज, कंपनी AI रजिस्टर्ड जो होती है रेंज वो करती है, जिसमें आप ये समझ लीजिए विदाउट AC, विदाउट म्यूजिक सिस्टम, अगर सिर्फ गाड़ी चलती है ऑन एन एवरेज 60-70 किलोमीटर आर की स्पीड के ऊपर सिटी हाईवे मिला के, तब ये गाड़ी 450 की रेंज तक आती है जी। मैंने प्रैक्टिकली सिटी के अंदर इसको 370-380 की रेंज में विदाउट AC, 400 तक की रेंज भी मैंने देखी है इसकी, विद AC नॉर्मल ड्राइविंग सिटी के अंदर, जहां पे आप तेज भी चलाते हैं, धीरे भी चलाते हैं और आप ओवरटेक भी करते हैं, तो ये गाड़ी प्रैक्टिकली 320 से 330 की रेंज देती है। और अगर आप हाईवे पर चलाते हैं तो हाईवे के ऊपर ये गाड़ी कम रेंज देती है सिटी के मुकाबले, बिकॉज उसमें रिटर्न कम होता है और वहां पे स्पीड हाई होती है, 80-90 की स्पीड होती है या 100 की स्पीड होती है, तो हाईवे पे 300 की रेंज में आ जाती है। ठीक है जी। वैसे एक जो मतलब ईवी ओनर होने के नाते जो डर रहता था कि कहीं आप बाहर लेके जा रहे हो कहीं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, या मतलब अगर मैं बात करूं तो आप सबसे लंबी जो जर्नी हुई है इस गाड़ी को लेने के बाद, वो क्या रही है आपकी?
और कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब चार्जिंग स्टेशंस का वो? तो ये काफी मैंने रिसर्च करने के बाद गाड़ी खरीदी, चार्जिंग स्टेशन का सेटअप ग्रेजुअली बढ़ रहा है और बहुत स्पीड से बढ़ रहा है चार्जिंग स्टेशन का सेटअप। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ईवी ओनर को एक प्लान्ड लॉन्ग ड्राइव करनी होती है, जो कि एक पेट्रोल और डीजल वाले ओनर को नहीं करनी होती, जहां पे आप पेट्रोल और डीजल में जब वो सुई आपकी जो इंडिकेटर है वो एम्प्टी पे आ जाता है, तब आप पेट्रोल पंप ढूंढते हो। वेयर से ईवी ओनर जो है एक चार्जिंग स्टेशन से नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन का डिस्टेंस पहले से कैलकुलेट करके चलता है। तो मैंने इस पे जो लॉन्गेस्ट ड्राइव करी है वो करी है शिमला की, दिल्ली टू शिमला, वो मैंने अभी रिसेंटली करी और बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव थी। दिल्ली से शिमला के बीच में अराउंड 12 से 13 चार्जिंग स्टेशन में आइडेंटिफाई करके गया था पहले से, एप्स हैं बता देते हैं इजिली कितने चार्जिंग स्टेशन हैं, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द चार्जिंग स्टेशन के जो ऐप होते हैं वो ये भी बता देते हैं कि वो अभी चल रहा है, उस पे चार्जिंग हो रही है, फ्री है या नहीं है, ये भी बता देते हैं। तो मेरे को सिर्फ 3 चार्जिंग स्टेशंस की, इनफैक्ट 2 ही चार्जिंग स्टेशंस की बीच में जरूरत पड़ी। तो ये डिस्टेंस जो था ओवरऑल कितने किलोमीटर लंबा? तो दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस 370-380 किलोमीटर का है, लगभग 377 किलोमीटर का है मेरे घर से। तो उसके अंदर मेरे को पहला चार्जिंग मैंने स्टॉप लिया करनाल पे, एक वहां पे चार्जिंग स्टेशन है स्टैटिक का, तो पहला स्टॉप मैंने वहां लिया जो यहाँ से 100 किलोमीटर है। जहां मैं जब वहां पहुंचा तो हम अराउंड 40% बैटरी यूज कर चुके थे, 60% पे थे, वहां पे हमने 95% चार्ज कर लिया इसको मतलब आधे घंटे के अंदर। और फिर नेक्स्ट मैंने हॉल्ट लिया फुट हिल्स पे कसौली, जहां स्टार्ट होता है उस जगह का नाम है जबली, वहां पे एक और चार्जिंग स्टेशन आता है, वो भी एक फूड हॉल्टी है। तो वहां पे जब हम पहुंचे तो फिर हम लोग 40% यूज कर चुके थे, और फिर वहां से शिमला अराउंड 70-80 किलोमीटर है, तो फिर वहां से शिमला मैंने नॉनस्टॉप बिना चार्जिंग के अपहिल किया, तो 95% से जब मैं शिमला पहुंचा तो मैं 60% पे था, तो हमने गाड़ी पार्क करी। उसके बाद जब हम उतरे तो हमने चार्ज, जब हम उतरे तो जहां पे ऊपर चढ़ते वक्त 35% चार्ज लगा, उतरते वक्त 17% लगा, बेसिकली वो हाफ हो गया, उसमें वो हाफ हो गया क्योंकि वो रिचर्न होता रहा। फिर हमने दैट मींस उतरते वक्त हमने फिर से जबली पे ही चार्ज किया, वही 40% पे पहुंचे, हमने उसको 95 किया, फिर उसके बाद हमने करनाल पे फिर स्टॉप लिया। तो जाते वक्त 2 स्टॉप, आते वक्त 2 स्टॉप, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जाते वक्त आप पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, फिर आप लंच के लिए रुकेंगे, तो ये ब्रेकफास्ट और लंच टाइम पे स्टॉप्स आते हैं। जनरली अगर लेट निकले तो लंच और डिनर के लिए निकलेंगे, 40-50 मिनट का तो देखो वो ब्रेक होगा ही होगा। तो गाड़ी चार्ज होने में आधा घंटा लगता है, क्योंकि अगर आप 50% पे हो तो गाड़ी फुल होने में आधा घंटा लगता है। चलो जी, तो अगर मान के चलो जो चार्जिंग स्पीड की बात की जाए, तो बाहर के जो एक्सटर्नल या फिर जो बाहर वाले चार्जर्स हैं, तो आधा घंटा मतलब फुल चार्ज होने में 40-50 मिनट लगते होंगे। तो चार्जिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर चार्जर आपका 50-60 किलोवाट का है तो गाड़ी को फुल होने में 40 मिनट लगते हैं अगर वो 20-30% पे है तो, और अगर वही चार्जर आपका 120 किलोवाट का है, जैसे शिमला से जो है सोलन में एक 120 किलोवाट का चार्जर भी है, तो वहां पे 5-10 मिनट लगेंगे आपको फुल चार्ज करने में। अच्छा, मतलब बेसिकली ये सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को भी अगर? हाँ, ये सपोर्ट करती है। और अगर आप घर पे चार्ज करते हैं, घर पे भी एक फास्ट चार्जर लगता है 7.5 किलोवाट वाला। तो अभी आप घर में इसको कैसे चार्ज करते हैं? घर में इन गाड़ी के साथ फास्ट चार्जर आता है 7.5 किलोवाट का, वो घर पे इंस्टॉल करके जाते हैं, तो आपके घर का जो लोड है वो कम से कम फ्री लोड 7.5 किलोवाट होना चाहिए, तब वो इंस्टॉल करते हैं इसको। जी ठीक है, तो उससे गाड़ी चार्ज होने में 6 घंटे के करीब लगता है। और अगर आप इसको बिल्कुल स्लो चार्जिंग करते हैं, जो कि एसी का जो 16 एम्पियर का जो प्लग होता है, अगर आप ये उससे आप अगर आप इसको उससे चार्ज करते हैं तो उसको लगभग जो है 20-22 घंटे लगेंगे टोटल। बेसिकली ओवरनाइट आप डेली यूज करते हो, ओवरनाइट लगा के छोड़ दो वो वाला मतलब ऐसा होगा शायद कि ओवरनाइट आपको हर रोज चार्ज लगा के छोड़नी पड़ेगी फिर। हाँ, जैसे मेरे केस में मेरा डेली रनिंग 40-42 किलोमीटर का है, तो मैं हफ्ते में एक बार चार्ज करता हूँ, वीकेंड पे चार्ज करता हूँ। जैसे आज आप देख रहे हैं फ्राइडे है, तो मेरी गाड़ी अभी 26% पे है, तो बाय द टाइम मैं घर पहुंचूंगा तो ये 20% पे होगी, 20-18% पे होगी। तो मैं इसे कल चार्ज करूंगा, कल ये ओवरनाइट होती रहेगी? नहीं, ओवरनाइट नहीं, मैं दिन में ही करता हूँ चार्ज। अगर आपको ओवरनाइट लगाना है तो आप स्लो चार्जर पे लगा, चार्जर पे लगाओ। हाँ, आप स्लो चार्जर पे लगा लीजिए, वो आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 16 एम्पियर प्लग होता है, आप उसको लगा के छोड़ सकते हैं फिर।
ठीक है, बाकी तो ऐप से इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाती है। हाँ, तो इसमें ऐप होता है, वो बता देता है कितना परसेंट चार्ज है, बहुत कुछ, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं ऐप के अंदर। चार्ज के अलावा लॉक अनलॉक आप गाड़ी कर सकते हैं, रिमोट एसी ऑन कर सकते हैं, जैसे काफी गर्मी है तो आप अंदर से एसी ऑन कर देंगे तो गाड़ी ठंडी हो जाएगी बाय द टाइम आप गाड़ी में आए। और बाकी वो बताता रहता है कितना परसेंट चार्ज है। उसके अलावा इसमें अलर्ट्स आते रहते हैं, अगर किसी ने गाड़ी खोलने की कोशिश करी और चाबी अगर दूर है तो वो आपको अलर्ट दे देगा कि कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। चलो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक एक चीज़ आप बताइए मेरे को, गाड़ी लेने से पहले आपने इसके फीचर्स वगैरह पढ़े थे डिटेल में और टेस्ट ड्राइव भी की, कुछ ऐसी चीज़ कोई आपने नोटिस करी कि जो गाड़ी लेने के बाद आपने फील किया कि वो फीचर या जो चीज़ ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की, या मैं कहूँ तो सबसे अच्छा फीचर क्या लगा आपको इस गाड़ी का? ओके, इसमें बहुत सारे फीचर्स अच्छे हैं। मुझे लगता है इसका पावर जो है ना वो एक अमेजिंग, मोर देन एक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने, अगर इसको स्पोर्ट्स मोड में मैं चलाता हूँ गाड़ी को, तो कोई भी आप 2800 सीसी की गाड़ी ले आइए जी, कोई भी, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो एंडेवर हो, चाहे कोई भी उस सेगमेंट की गाड़ी हो, पावर के अंदर ये गाड़ी उसको बीट कर देती है। मैंने हाईवे पे देखा है, नॉर्मली कार्स ये पावर स्पीड ला ही नहीं पाते इलेक्ट्रिक वाले डीजल और पेट्रोल इंजन के अंदर, नॉर्मली जो आप इलेक्ट्रिक में देख पा रहे हो। एंड एक और चीज की, अगर आपको लगता है कि इस गाड़ी में क्या कोई कमी महसूस होती है, क्या कमी है इसमें? इसमें एक ही कमी है जो मुझे फील होती है, वो थोड़ा ऐसा है कि क्योंकि इस गाड़ी को एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की गई है, तो इस गाड़ी के अंदर टायर्स के अंदर एक तो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं अंदर की तरफ, और उसके ऊपर व्हील कैप लगे हुए हैं। दैट मींस अलॉय व्हील्स हैं और उसके ऊपर व्हील कैप है। व्हील कैप इसलिए ताकि ये थोड़ा एरोडायनामिक हो तो ज्यादा एवरेज आए इसके अंदर। तो वो व्हील कैप लगाने की वजह से जो इसके अंदर एयर भरने का जो इसका इनलेट होता है, जो नोजल होता है, वो थोड़ा सा इस तरीके से दबा होता है कि आप उस बिना व्हील कैप खोले हवा नहीं भर सकते। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल समझ, चलो इतनी जरूरत तो नहीं पड़ती, बट जब जरूरत पड़ती है तब बंदा परेशान हो जाएगा। हाँ, राइट राइट। मतलब अगर आप पेट्रोल पंप पे जाके हवा भरवाएंगे, जिनके पास लंबा नोजल होता है, तो वो आराम से भर देंगे, लेकिन अगर आप खुद के पास जो पंप होता है उससे भरवाएंगे, तो आप वो पंप शायद उस वहां तक पहुंच ना पाए जब बिना व्हील कैप उतारे। तो यही एक मुझे इसमें प्रॉब्लम फील होती है, अदरवाइज इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम फील नहीं। या ऐसा भी हो सकता था कि वो अलॉय कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि, हाँ शायद उस जगह पे थोड़ा इतना स्पेस होता कि आप उस नोजल को टाइट कर सकते। अच्छा, वीडियो को एंड करें उससे पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन करवाई है गाड़ी लेने के बाद, क्या चेंजेस करवाए आपने? कुछ नहीं कराए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराए, सिर्फ मैट्स हैं जो मैंने 70 मैट्स बाहर से लगाए हैं, और कोई एक इस गाड़ी में पीछे लाइट नहीं है, जो कैबिन लाइट होती है, कैबिन लाइट जैसे यहाँ पे आगे लाइट है, क्योंकि ये पूरा पैनोरामिक सनरूफ है तो इसमें पीछे लाइट नहीं है, तो वो जो आप पीछे लाइट देख रहे हैं, आपको दिख रही है वीडियो के अंदर, वो मैंने बाहर से इंस्टॉल करी हुई है, जो कि मैग्नेटिक लाइट है, वो उतार के चार्ज करके दोबारा लगाई जा सकती है। चलो ठीक है, इंटीरियर की तो बातें होगी, एक्सटीरियर में भी कुछ चेंजेस हुए? एक्सटीरियर में मैंने सिर्फ एक सिरेमिक कोटिंग कराई है गाड़ी के अंदर, जिसको हम सिरेमिक 10H कोटिंग कहते हैं। और ये कहां से करवाई आपने? ये मैंने कराई है साहिल डिटेलर्स करके, बेसिकली मतलब आफ्टर मार्केट ही करवाई, आफ्टर मार्केट कराई है। ये कंपनी भी करती है, पर कंपनी भी 3M की करती है, वो खुद की कुछ नहीं होता। करेक्ट। तो ये जो हुई है, ये कोटिंग से क्या चार्जेस आपको पे करना पड़ा? तो कार के साइज पे डिपेंड करती है कोटिंग, मैंने लगभग 20,000 रुपए पे किए इसके। ठीक है जी। और इसमें 3 साल की वारंटी होती है कोटिंग, मतलब वो 3 साल तक इस पे मेंटेनेंस कोट करेंगे हर साल में एक बार। चलिए जी, बाकी अगर डिटेल में कुछ जानना हो आपको तो फ्यूचर कुछ और वीडियो बना देंगे इस कोटिंग, क्योंकि थोड़े दिन चलती रहेगी, शायद थोड़ी पुरानी हो जाएगी, ज्यादा अच्छा लगेगा इसको कवर करने में। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए, और मे भी कुछ और प्रस्पेक्टिव बायर्स जो है ईवी के लिए, उनको शायद थोड़ा सा इस वीडियो से फायदा मिल सकता है। और बाकी अगर आपके कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी विवो सर से पूछ के आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।